नव भारत समाचार देहरादून से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। गैर राज्य लॉकडाउन का पास बनाकर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो तस्कर 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार। कोरोना वायरस महामारी के तहत जारी लॉकडाउन तथा लॉकडाउन के नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर चेकिंग अभियान चलाकर आज दिनांक 20 मई 2020 को चेकिंग के दौरान मातावाला बाग के पास एक वाहन I20UK07AM9965 को रुकने का इशारा किया गया तो चालक द्वारा वाहन को तेजी से भंडारी बाग मोड़ की तरफ भगा दिया। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन का पीछा करते हुए भंडारी बाग के पास पकड़ लिया। वाहन में दो व्यक्ति सवार थे जिनसे पूछताछ करने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम शकील अहमद व बगल की सीट में बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम लुकमान बताया तथा उक्त वाहन से बरेली से आना बताया। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो शकील द्वारा पहनी पैंट की जेब से 65 ग्राम स्मैक व लुकमान की पैंट की जेब से 55 ग्राम स्मैक व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। अभियुक्त शकील द्वारा बताया गया कि उसने उप जिला मजिस्ट्रेट सदर महोदय से उसके वाहन का पास बना रखा है जिसके लिए उसने उसकी दादी का देहांत होने का कारण दर्शा रखा था। बरामद स्मैक के संबंध में जानकारी